खबर है कि टाइटैनिक का मलबा दिखाने गई जो टाइटन पनडुब्बी गायब हुई थी उसमें ऑक्सीजन खत्म हो चुकी होगी। ऑस्ट्रेलिया की एक न्यूज वेबसाइट ने इसका दावा किया और कहा कि जो पनडुब्बी पिछले 5 दिन से लापता है उसमें ऑक्सीजन नहीं बची होगी, जिसकी वजह से पनडुब्बी में सवार 5 अरबपतियों की जान मुश्किल में फंस गई, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है उनकी जान पर खतरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि पनडुब्बी की तलाश अब भी जारी है, लेकिन कई दिनों की तलाश के बावजूद अब तक टाइटन पनडुब्बी का पता नहीं चल पाया। एक रोज पहले ही ये दावा किया गया था कि पनडुब्बी में सिर्फ 90 घंटे की ऑक्सीजन बची थी और उसके लापता होने के बाद 90 से ज्यादा घंटे बीत चुके हैं। मतलब साफ है पनडुब्बी में ऑक्सीजन नहीं है, ऐसे में उसमें सवार लोगों का बचना नामुमकिन है। खबर ये भी आई थी कि पनडुब्बी में रखा खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका होगा। और पनडुब्बी में ऑक्सीजन खत्म होने की खबरों के बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि फ्रांस ने टाइटन पनडुब्बी को ढूंढने के लिए एक खोजी रोबोट भेज दिया। टाइटन पनडुब्बी की तलाश पिछले 5 दिन से की जा रही है, लेकिन अब तक उसका पता नहीं चल पाया। ऐसे में फ्रांस ने अपना एक खास रोबोट समुद्र में भेजा जो टाइटैनिक के मलबे से भी ज्यादा गहराई में जा सकता है, और इस रोबोट का नाम विक्टर 6000 है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ये रोबोट समुद्र में 20,000 फीट तक की गहराई में जा सकता है, जबकि टाइटैनिक का मलबा 12,500 फीट की गहराई में ही है। जिसका मतलब ये कि रोबोट टाइटैनिक के मलबे से भी ज्यादा गहराई में जाकर पनडुब्बी का पता लगा सकता है। बताया गया कि ये रोबोट किसी भी तरह की केबल काटने और पानी के अंदर फंसे हुए जहाज को छुड़वाने में सक्षम है, जो एक दिन पहले टाइटन पनडुब्बी की तलाश में जुट गया, लेकिन उस पनडुब्बी का कोई सुराग नहीं मिल पाया। वहीं टाइटन पनडुब्बी की खोज तो जारी है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला और न ही उसमें बंद 5 अरबपतियों का कोई सुराग मिला। चिंता की बात यह है कि सिर्फ 22 फीट लंबी इस पनडुब्बी में सही से न बैठने की जगह है और न ही उठकर चलने की। इसी बीच पनडुब्बी में ऑक्सीजन खत्म होने की भी खबर आ गई और दावा यह किया जा रहा है कि 90 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद अब उनके पास खाना भी नहीं बचा होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक टाइटन पनडुब्बी सिर्फ 22 फीट लंबी और 9 फीट चौड़ी है, जो सिगार की तरह दिखती है। ये इतनी छोटी है कि इसमें लोग उठकर ठीक से चल तक नहीं सकते, इसलिए इसमें 8 घंटे तक का सफर भी मुश्किल हो जाता है। टाइटन पनडुब्बी में एक टॉयलेट भी है, लेकिन बताया गया कि उसका कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया और इसीलिए ये दावा किया गया कि इस छोटी सी पनडुब्बी से जाने का फैसला ही गलत था। हालांकि इस टाइटन पनडुब्बी से पहले भी टाइटैनिक के मलबे तक लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन इस बार समंदर में उतरने के बाद से ही ये पनडुब्बी लापता है।